नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक शेयर के नेक्स्ट टारगेट और क्या रह सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स स्टॉक के। देखिए, अगर स्टॉक में बढ़त हुई है तो स्टॉक गिरेगा भी, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था। पंजाब नेशनल बैंक पे मैं ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम रखता हूँ। आपको मैंने जैसे जैसे यहाँ पे प्रीवियस टाइम में बताया, जिसने मेरी वीडियो फॉलो की होगी, इस लेवल को ब्रेक किया था, मैंने कहा था बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाए और अच्छे खासे लेवल्स आपको अचीव हुए अराउंड 5 रुपये के आसपास। बट अगर मैं बात करूँ, देखिए, अब 5 रुपये का मूवमेंट बहुत तगड़ा हो जाता है इस 45 रुपये के स्टॉक में, ये भी आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड था, कंसोलिडेशन हुआ, डाउनसाइड बना और दोबारा से एक बाइंग कैंडल हमारे पास आ गई है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। सो ये कहीं ना कहीं इसमें एक बुलिश मोमेंटम रह सकता है हमारे लिए। अर्निंग अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमें जो अर्निंग देखने को मिली थी वो इतनी खास नहीं थी, बट कहीं ना कहीं इस स्टॉक का जो मोमेंटम है, जिस तरीके का रिवेन्यू जनरेशन और मैनेजमेंट का काम है, वो बहुत अच्छा है। बिजनेस एक अच्छे तरीके मॉडल के साथ चल रहा है। सो आप देखिए, ये हमारे पास दो सिनेरियो क्रिएट करती है, ये ग्रीन कैंडल डाउन ट्रेंड मिला है, एक हल्का सा अपसाइड है, तो ये रीटेस्टिंग भी हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है कि अगले दिन हमें यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिले। बट अगर हमें गिरावट देखने को नहीं मिलती है कल के दिन, और कल के दिन एक अपसाइड ट्रेंड बनता है, तो हम उस टाइम बाइंग का पॉजिटिव बनाएंगे और वेट करेंगे टू ब्रेक 43.35 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक करें, ग्रीन कैंडल अच्छी खासी अपसाइड बनाए, तो हमारे पास एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा प्रॉफिट जनरेट करने का। अराउंड आप इसमें 4 से 5 रुपये के लेवल्स फिर से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे इन द अपसाइड। बट कहीं ना कहीं दो सिनेरियो हमारे सामने जैसे आ रहे हैं, उसमें मैं अगर आपको समझाऊं तो ये कैंडल हमारे लिए एक तरीके का रीटेस्टिंग भी हो सकती है और एक तरीके का बुलिश मोमेंटम भी हो सकती है। मैं इसमें 90% बुलिश मोमेंटम भी हूँ, बिकॉज आप देखेंगे ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, पूरी पूरी रेड कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया। सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बुलिश मोमेंटम का ही एक 90% का सिनेरियो है। बट हम दोनों सिनेरियो को क्रिएट करके रखेंगे और एक अच्छे खासे इन्वेस्टर की तरह इसमें इन्वेस्टर बनाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करके ले जाएंगे। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, उनके बेस पर करें बाइंग और सेलिंग। थैंक यू अगर वीडियो आया तो।